जय भीम जय श्री कृष्ण जी। मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब से मिला। मैं हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं, 3-4 साल की है। पहले डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा करके बहुत स्ट्रगल किया, फिर थोड़े एक दो बार मीटिंग हुई तो डॉक्टर साहब के विचार वेरी ग्रेट इनसे आज के टाइम में। और ये आप लोगों का हक के लिए अपना पोलिटिकल कैरियर भी दाव पे लगाए, ये एक छोटी बात नहीं है। और क्योंकि दूसरी कम्युनिटी को पता है कि हम सब इकट्ठे नहीं हो सकते, वो इसी पे इतने कॉन्फिडेंट है। दूसरी अपर कास्ट जो राज कर रही है आज भी कितना की कॉन्फिडेंट है, ये 85% ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने उस बात का जवाब देना है, हमने हम सब भाइयों ने इकट्ठे हो। आप अभी पिछले 2 महीने पहले की बात है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ पॉलिटिकल स्कूल में, किसी पे भी नहीं बोल रहा, मैं मंच पे बोलता हूँ, ना मुझे बोलना आता, सीधी साधी बात बोलता हूँ। पीछे करीब 2 महीने पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने चाहा, कुछ वर्कर्स ने, कि भाई इंदिरा गांधी का स्टैचू लग जाए पंजाब में। आपको ताजुब हुआ करीब हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में करीब 1.25 करोड़ सिख कौम है, सिर्फ 1.25 करोड़ सरदार है पॉपुलेशन में, वो सारे इकट्ठे हो गए पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए भी कहने लगे कि वे इंदिरा गांधी का स्टैचू पंजाब में नहीं लगेगा। आप देखो कितनी है 1.25 करोड़, अरे हम 85 करोड़ है, हम अपनी ताकत नहीं पहचान ले, कैसे पहचानोगे। एक मेरे एक सजेशन है वैसे भी कि हमारे को नौकरी तो है ही है, हम नौकरी के अलावा सब अपना व्यापार भी क्यों नहीं करते सारे, क्यों नहीं अपने घर में दुकान खोलते। आप मारवाड़ी है राजस्थान का रहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो हमारी जगह लेगा, शहर में जाएगा, हमारी जगह किराए पे लेगा, हमारे से सामान खरीदा और हमारे को बेच देगा। एक हमने अपनी सोच ये भी रखी है, नौकरी के अलावा नौकरी तो करनी है, वो तो हमारा हक है, लेकिन जिसको नौकरी नहीं मिलती अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो। और एक हमने दूसरे को पोषण की बजाय हमने अपने आप को देखना है कि भाई हम हमारी पावर क्या है, अपनी ताकत पहचानो। और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल पावर, जिसका सीएम अपना, डीएम अपना, जिसका पीएम अपना, सम्मान अपना है, बाकी कोई किसी से कुछ करने के कोई फायदा नहीं। सबसे पहला है हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस, अवेयरनेस लाओ हमारे समाज में, हमारे को दूसरे यूज करते हैं, हम क्यों नहीं दूसरों को यूज कर सकते। और आज के टाइम में इतना अच्छा इजी रास्ता है, अरे ठप्पाई तो लगाना है, हमने इकट्ठे होना, ठप्पे में क्या दिक्कत है, कम से कम ठप्पा गवर्नमेंट अपनी है तो सब कुछ माल अपना है, सारे इकट्ठे हो जाए, सब चीज किधर भी जाए कहीं पे भी हो, हमारे एक ऐसा समाज 85% हो कि भाई एक फतवा जारी हो जाए भाई हमने आप इसको प्रधानमंत्री बनाना है, इसको सीएम बनाना है, इसको स्टेट में कहीं पे भी हमने अपना हक छीनना है। और हक वैसे नहीं मिलता, हक तो छीनने से मिलेगा, कोई नहीं मिलता कहीं दुनिया में। अभी डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छा एग्जाम्पल दिया था, 1.25 लाख अंग्रेज आए थे, अरे 40-45 करोड़ पर राज कर रहे थे, आज भी गुलामी है, हम गुलामी है अपने आप, हमारा कोई देश नहीं है, कोई खावा है ठेकेदारी ले लेते, देश हमारा भारत देश हमारा नहीं, देश तो उनका है जो 5% लोगों का ये देश। और बाकी मेरे तो यही है, कभी भी डॉक्टर साहब हम DOM के साथ हूँ हमेशा से, और जो भी दलित OBC माइनॉरिटी की बात हो मैं हमेशा सभी संगठनों के साथ हूँ। लेकिन जो संगठन जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं शुरू किया है, ये इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, इनके साथ हमने इनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। आप ये देखो एक दिन हम और डॉक्टर साहब बैठे थे, कहले यार इकट्ठे हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने कहा सब कुछ खत्म हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज दो जन बैठ के सब डिसीजन उठा सीधा देते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम सब इकट्ठे हो गए सुप्रीम कोर्ट का भी तो घेराव कर सकते हैं, कोई आवाज है आपकी मीडिया में, कोई नहीं मीडिया में आपकी कोई न्यूज नहीं देगा, आप चाहे 10 लाख इकट्ठे हो जाए, 5 लाख इकट्ठे हो जाए। मेरा एक सजेशन है डॉक्टर साहब से कि एक वेब चैनल भी, उसमें भी हमारी हर तरह से हम सब भाई मिल के
अपने अवेयरनेस वेब चैनल भी बनाए जाए, एक एक नहीं दो नहीं तीन चार चैनल बनने चाहिए, उसी से हमारी कुछ हेल्प होगी, बगैर चैनल के हमारे ओके जी फैन जी मैं वो ज़्यादा तो टाइम नहीं ले सकता, बाकी हर जगह तैयार है, हम संगठन के साथ हैं। अच्छा